तो पी टाइप में अगर यही ट्रांजिशन हम दिखाते तो ये क्या होते, इंटरवैन ट्रांजिशन, ये क्या होते डिफेक्ट ट्रांजिशन, और ये क्या होते इंट्रावैन ट्रांजिशन। इन जनरल हम में क्या चाहते हैं कि हमारे इंटरबैंड ट्रांजिशन, ठीक, और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्टिव रीजन को प्रॉपरली बनाएंगे ताकि हमारा जो लाइट हो प्रॉपरली अमिट हो सके। इन जनरल अगर हम कहीं पे भी लाइट अमिटिंग डायोड का अगर सिंबल बनाते, किसी सर्किट में अगर उसका हम सिंबल बनाते तो वो सिंबल कुछ इस तरह, नॉर्मल डायोड का सिंबल, और उसमें इस तरह से एरो बाहर निकलते, ठीक है। फोटो डायोड में ये एरोस अंदर की ओर आ रहे थे और एलईडी में ये एरोस बाहर की ओर जा रहे, अगर हम सर्किट में इसको शो करेंगे फॉरवर्ड बायस करके तो कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा, वर्किंग का जब हम सर्किट बना रहे होंगे तो ये सर्किट कुछ इस तरह से, अगर हमें कहीं एलईडी को यूज करना होगा किसी सर्किट में तो वो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लिमिटिंग रेजिस्टेंस, ठीक, ऑलमोस्ट सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ठीक, जब भी उनको हम कहीं पे वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रहे होंगे तो वहां पे हम एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस जरूर लगाते हैं, ठीक। ये लिमिटिंग रेजिस्टेंस क्या करता है, डायोड में जो उसको रिक्वायर्ड करंट है, मीनिंग जितनी करंट में वो नॉर्मल सरवाइव कर सकता है, इसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये तुम्हारा डैमेज नहीं होगा डायोड, उतना ही करंट यहाँ पे विड्रॉ कर सके डायोड, बाकी जो करंट हो वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाए, वो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाए, ठीक। इसके लिए हम यहाँ पे एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक। इन जनरल अगर हम कहीं पे भी एलईडी को कनेक्ट करते हैं तो एक रेजिस्टर के साथ इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, उसका जो सिंबल है वो इस तरह से बना सकते हैं। सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, और इन केस इस प्रोसीजर में कहीं पे किसी को कोई डाउट हो एलईडी से रिलेटेड तो वो डाउट क्लियर कर दो, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट अभी एलईडी का है और बचा हुआ है, उसकी एप्लीकेशंस एंड किस तरीके से एलईडी डिफरेंट कलर्स देता है, कौन कौन से मटेरियल कौन कौन से कलर्स देते हैं, ये सारी चीजें अभी और डिस्कस।
ठीक है, सभी की अटेंडेंस मार्क हो गई। ठीक है।